यूपी चुनाव से पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सपा के साथ गठबंधन, जैन परिवर्तन दल का हुआ विलय। यूपी 2022 में पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी से चुनावी शंखनाद करेंगी प्रियंका गांधी, 10 अक्टूबर को रैली। बिहार विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान के सामने फैसले की घड़ी, डोरे डाल रहे महागठबंधन के नेता, पारस ने छेड़ा अलग राग। मनीष गुप्ता केस में योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, परिजनों को 40 लाख रुपए का दिया मुआवजा। पंजाब विवाद को कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया डेमोक्रेटिक, तंच का संबित बोले भगवान करे ये हमेशा बनी रहे। यूपी में बसपा नेता अनुपम दुबे की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा पति के उत्पीड़न में पूर्व विधायक का रहा हाथ। चिराग के सारे दावे हो गए हवा, बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले लोजपा पशुपति पारस की, वो करेंगे चुनाव प्रचार। धान खरीद को लेकर पंजाब हरियाणा में आज से आंदोलन, राकेश टिकैत बोले मांगों को पूरी होने तक करेंगे प्रदर्शन। भाजपा के लिए आसान नहीं होगा चायल विधानसभा सीट पर कमल खिलाना, बसपा का रहा दबदबा। बिहार से उठी कन्हैया को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग, राजद नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।